नमस्कार, मैं स्नेहा राउत, बीएस क्राइम इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। हाशिम अहमद की खास खबर पर एक नजर। पुलिस पर हैवानियत का आरोप, लोगों ने लगाया जाम। तेज रफ्तार डीसीएम ने टेम्पो का इंतजार कर रही सवारी को मारी टक्कर, जिसमें एक महिला ने दम तोड़ दिया जबकि दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया। गुस्साए मृतक के परिजनों ने लाश को हाईवे पर रखकर डायल 100 पर ट्रक चालक को छोड़ने का आरोप लगाते हुए घंटों जाम लगाया। इतना ही नहीं, पीड़ित के परिजनों ने मौके पर पहुंची पुलिस के साथ भी तीखी नोकझोंक की। बिजनौर के नजीबाबाद इलाके के गांव अलीपुरा में एक दंपत्ति अपने रिश्तेदारी में आया हुआ था, जब वह अपने गांव नांगल सोती जाने के लिए हरिद्वार रोड पर टेम्पो का इंतजार करने लगा तो नजीबाबाद की ओर से तेज गति से आ रहे एक ट्रक चालक ने परिवार को टक्कर मारकर फरार हो गया। आरोप है कि डायल 100 ने ट्रक का पीछा करते हुए सहारनपुर में ट्रक चालक को पकड़ लिया और पैसे लेकर छोड़ दिया। बस फिर क्या था, लोगों ने हाईवे पर जाम लगा दिया। मौके पर पहुंचे पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों के साथ भी ग्रामीणों की जमकर तीखी नोकझोंक हुई, जो डायल 100 को सामने लाने की जिद पर अड़ी हुई थी। फिलहाल एसडीएम उमेश कुमार मिश्र ने कार्रवाई का आश्वासन देते हुए ग्रामीणों को किसी तरह समझा बुझा कर जाम खुलवाया और शव को पोस्टमार्टम के लिए बिजनौर भेजा। लोगों का आरोप था कि पुलिस मौत पर भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रही है। 50 पे ये सूचना मिली थी यहाँ पर कि एक दुर्घटना हुई है, जिसमें एक महिला है उर्मिला निवासी सजादपुर की, तो उसकी मृत्यु हुई थी और उसको जब ये आरोप लगाया गया कि की गाड़ी थी और उसमें उन्होंने छोड़ दिया, जिस गाड़ी से टक्कर हुई थी उनको छोड़ा गया है, तो मैं यहाँ घटनास्थल पर मैं आके मैंने लोगों से बात किया तो मैंने यही बताया कि लोगों को कि अगर दोषी है इनकी जांच कराई जाएगी, आप लिख के दीजिए तो उस पर हम लोग कड़ी कार्रवाई करेंगे, उसमें चाहे जो भी शामिल होगा उस पर कार्रवाई की जाएगी। तो लोग उनके घर वाले आए थे और वो समझदार हैं और वो मान गए इस बात को, ठीक है, जो दोषी उनको दंड दिया जाए। जाम खुल गया सर? हाँ, जाम की स्थिति लोगों ने कहा है खोलने के लिए, वो खोल रहे हैं, धीरे धीरे बात कर रहे हैं, क्योंकि घटना दुखी करने वाली है, लोग दुखी हैं और उनकी भावनाओं से हम शामिल हैं, हम भी दुखी इसमें हैं, लेकिन जाम लगाना कोई ये जो कोई अंत नहीं है किसी चीज़ का, विवाद बढ़ाना है तो लोग समझ गए हैं, अच्छे लोग आए थे और समझते हुए जाम खोल रहे हैं। अभी Thank you.